हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम 12th क्लास ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम पार्ट वाइज डिस्कशन करेंगे। ये पार्ट नंबर 1 है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इस पार्ट 1 में से फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। तो इसकी नेचर एंड स्कोप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 3 टाइप्स ऑफ अप्रोचेस, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिस्टिक एंड नियो डिटर्मिनिज्म। और उसके बाद यहीं से क्वेश्चन है सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अप्रोचेस यूज्ड इन ज्योग्राफी लाइक एरियल डिफरेंशिएशन, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन एंड द एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। उसके बाद सेकेंड चैप्टर है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी, टाइप्स ऑफ डेंसिटी, ग्रोथ, कंपोनेंट्स ऑफ ग्रोथ एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज़ बर्थ रेट, डेथ रेट टाइप्स एंड द विच आर द फैक्टर अफेक्टिंग माइग्रेशन एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड एंड उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ पिरामिड, एज स्ट्रक्चर पिरामिड एंड द पॉपुलेशन कंपोजिशन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट, पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और 1 मार्क्स में आ सकता है फादर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, हु कैलकुलेट द HDI, विच एजेंसी एंड इन विच ईयर दैट एजेंसी प्रोवाइड द फर्स्ट रिपोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर से। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है प्राइमरी एक्टिविटी, नॉर्मली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कमर्शियल एग्रीकल्चर से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ इंटेंसिव एंड द सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, हंटिंग एंड गैदरिंग, उसके बाद मिक्स्ड फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, कोल खोज, कलेक्टिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ माइनिंग एंड टाइप्स ऑफ माइनिंग। तो 2 टाइप्स ऑफ माइनिंग है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। और यहाँ से मैप वर्क भी कम से कम 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं और इसमें से जो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, द फर्स्ट वन फ्यूचर ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ ब्लीक डिस्कस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 मार्केट गार्डनिंग इज़ प्रैक्टिस नियर अर्बन एरियाज़ वाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके चैप्टर नंबर 6 है सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बेसिकली रिलेटेड है मैन्युफैक्चरिंग से, तो इसी से क्वेश्चन हो सकते हैं व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड द व्हाट इज़ इंडस्ट्री एंड द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री लाइक लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, कंज्यूमर इंडस्ट्री एंड द बेसिक इंडस्ट्री, फुटलूज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री। सो ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ हैं और क्वेश्चन हो सकता है रूरल रीजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, क्लस्टर ऑफ द वर्ल्ड एंड डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अफ्रीका हैज़ इमेंस नेचुरल रिसोर्सेज एंड यट इट इज़ इंडस्ट्रियली द मोस्ट बैकवर्ड कॉन्टिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है टर्शरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज़, बेसिकली सर्विस सेक्टर है। तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन होंगे वो भी हमारे टर्शरी एक्टिविटी से रिलेटेड होंगे। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स है टेक्नोपोल्स, व्हाट इज़ द डिजिटल डिवाइड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिटेल ट्रेडिंग सर्विसेज है एंड उसके बाद है BPO है, KPO है एंड क्वार्टनरी सर्विसेज क्या है, व्हाट इज़ डिजिटल डिवाइड क्या है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर इन मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेसिकली क्वेश्चन जो यहाँ से क्वेश्चन पुट करता है एग्जामिनर वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके चैप्टर नंबर 8 है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो इस चैप्टर वर्ल्ड लेवल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट हमने पढ़े हैं लैंड ट्रांसपोर्ट एंड उसके बाद वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो लैंड में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हमारी रेलवे लाइन, जिसमें कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन है, जिसमें वर्ल्ड की हमने साइबेरियन पर ही है,
पढ़ी है, कैनेडियन पढ़ी है, ऑस्ट्रेलियन पढ़ी है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वाटरवेज में हमारे हैं इनलैंड वाटरवेज लाइक मिसिसिपी वाटरवेज पढ़े हैं, ग्रेट लेक्स पढ़े हैं, रिवर राइन पढ़े हैं और ओशनिक रूट्स पढ़े हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हाउ वी कैन से दैट द पोर्ट फुलफिल द डिमांड ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, और हाउ वी कैन से दैट द पोर्ट्स आर द गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द एलैबोरेट द स्टेटमेंट इन अ वेल मैनेज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम वेरियस मोड्स कंप्लीमेंट ईच अदर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड के जो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिस क्या हैं एंड डायरेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रेड लाइक बाइलेटरल मल्टीलेटरल एंड सो दीज आर द टाइप्स। एंड यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चन पुट किया जा सकता है वो है मैपबर्ग से, आपका पोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो ये सारे पढ़ के जाने हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, व्हाट आर द बेसिक फंक्शन ऑफ द रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, व्हाट आर द प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ द WTO, व्हाट इज़ गैट, एंड लाइक द क्वेश्चन इज़ हाउ आर पोर्ट्स हेल्पफुल फॉर ट्रेड, गिव अ क्लासिफिकेशन ऑफ पोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। उसके बाद हमारा पार्ट नंबर टू आता है, पार्ट नंबर टू इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर वन है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी है, ग्रोथ है, कंपोजिशन है, लिंग्विस्टिक ग्रुप है, रूरल अर्बन कंपोजिशन है, एज सेक्स कंपोजिशन है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनते हैं फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी एंड टाइप्स ऑफ ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ बेसिक। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है डिस्कस द स्पेशल पैटर्न ऑफ डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, गिव एन अकाउंट ऑफ ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर एंड वन ऑफ इज ऑन द लिंग्विस्टिक ग्रुप और द रिलीजियस ग्रुप। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका चैप्टर नंबर टू है माइग्रेशन है, माइग्रेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इंटरनल माइग्रेशन क्या है, इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ माइग्रेशन ऑन द नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल एंड कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो कॉजेज आर डिफरेंट देन द कॉन्सिक्वेंसेज, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ द कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन। इसमें से लाइक क्वेश्चन ये भी पुट किया जा सकता है व्हाट आर द सोशियो डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन, व्हाट आर द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन, सो ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में सेम पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है। उसके बाद अप्रोचेज है ह्यूमन डेवलपमेंट के, अमर्त्य सेन की कौन सी अप्रोच दी है, कैपेबिलिटी का अप्रोच क्या है, IOLO ने कौन सी अप्रोच दी है, कौन सी एजेंसी UNDP 1990 में HDI रिपोर्ट प्रेजेंट की थी फर्स्ट, इंडिया में सबसे हाईएस्ट HDI इंडेक्स कहाँ पे है, लोएस्ट कहाँ पे है, वर्ल्ड लेवल में कहाँ पे है। तो ये आपका वर्ल्ड मैप में भी पुट किया जा सकता है और थ्योरी पार्ट में भी। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच फैक्टर हैव कॉज्ड स्पेशल वेरिएशन इन द लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अमंग द स्टेट्स इन इंडिया। तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो हैं थोड़े से मोल्ड करके और इनडायरेक्ट वे में एग्जामिनर पुट कर सकता है। उसका चैप्टर हमारा ह्यूमन सेटलमेंट, ये पार्ट वन में भी है। तो ह्यूमन सेटलमेंट में बेसिकली दो ह्यूमन सेटलमेंट, रूरल और अर्बन ह्यूमन सेटलमेंट है। तो रूरल में थ्री टाइप्स है, कॉम्पैक्ट है, सेमी कॉम्पैक्ट है और आइसोलेटेड है। तो इन तीनों के कंपैरिजन भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट और पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। तो पैटर्न और टाइप दोनों डिफरेंट है, पैटर्न्स में आपका आ सकता है लाइक फॉर्म्स लाइक शेप्स डिज़ाइन प्रोड्यूस बाय द रूरल ह्यूमन सेटलमेंट। उसके बाद अर्बन ह्यूमन सेटलमेंट में आपका क्वेश्चन हो सकता है फंक्शंस ऑफ टाउन्स, व्हाट इज़ टाउन, व्हाट इज़ मेगापोलिस, व्हाट इज़ मेट्रोपोलिस,
ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं, एक बार इनको गो थ्रू हो जाएंगे ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। लाइक व्हाट इज़ गैरिसन टाउन, व्हाट इज़ देयर फंक्शंस, हाउ वन कैन आइडेंटिफाई द अर्बन एग्लोमरेशन एंड व्हाट आर द मेन फैक्टर्स ऑफ द लोकेशन ऑफ विलेजेस इन डेजर्ट रीजन, व्हाट इज़ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, मेगा पॉलिस सिटीज, सो ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लैंड रिसोर्सेज एंड द एग्रीकल्चर इज़ द नेक्स्ट चैप्टर, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आता है ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीजन, खरीफ सीज़न, रबी सीज़न, जायद सीज़न, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में राइस, वीट, बारले, डिफरेंट, सो ये सारे के सारे ये हमारी इनकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस, व्हाट आर दे ज्योग्राफिकल कंडीशन दे रिक्वायर्ड, उसका लैंड यूज़ कैटेगरीज है, रूरल है, अर्बन है, तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक यहाँ से क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, यस, डिफरेंस बिटवीन द बैरन एंड द बेस्ट लैंड एंड हाउ डू यू मेज़र टोटल कल्टिवेटेड लैंड, एंड इसी में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हाउ वी कैन कैलकुलेट द क्रॉपिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद है चैप्टर नंबर 6 वाटर रिसोर्स, सो वाटर रिसोर्स में हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है द वाटर से रिलेटेड होंगे, लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है, नीरू मीरू प्रोग्राम है एंड सेंटर मिनिस्ट्री के थ्रू, स्टेट मिनिस्ट्री के थ्रू जितने भी प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर, और अभी के जो हमारी जल क्रांति अभियान 2015-16 में लॉन्च किया गया है सेंट्रल मिनिस्ट्री के थ्रू, तो इसके मेजर ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी में जो मेजर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे वो हैं लाइक द इट इज़ सेड दैट वाटर रिसोर्स इन इंडिया हैव बीन डिप्लीटिंग वेरी फास्ट, वाई, डिस्कस, तो क्वेश्चन को मोड कर सकता है एग्जामिनर, बट डोंट बी कन्फ्यूज, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड राइट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन हो सकता है वाई द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन टोटल वाटर यूज इन द कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन, लाइक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ वाटर शेड मैनेजमेंट, डू यू थिंक इट कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 10th में पढ़ा है, तो व्हाट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 21, तो ये सारे क्वेश्चन कोरिलेटेड हैं, तो कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पुट कर सकता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, तो यहाँ से टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटालिक है, नॉन मेटालिक है, मेटालिक में सब पार्ट्स हैं, फेरस, नॉन फेरस और नॉन मेटालिक में भी सब पार्ट्स हैं, दैट इज़ द फ्यूल मिनरल्स एंड द अदर नॉन मेटालिक मिनरल्स, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से पुट किए जा सकते हैं। उसके बाद ये इन्हीं मिनरल्स में आपके एनर्जी रिसोर्सेज हैं कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यहाँ से भी आपको वर्ल्ड मैप भी है, बॉक्साइट से रिलेटेड आ सकता है, मैग्नीज से रिलेटेड आ सकता है, आयरन ओर के टाइप्स, इसका वर्ल्ड मैप हो सकता है, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडराइट, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइक द क्वेश्चन इज़ राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द पेट्रोलियम रिसोर्स इन इंडिया, राइट एन एसे ऑन द हाइडल प्रोजेक्ट इन इंडिया, उसके बाद गिव एन अकाउंट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइका, व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ माइका, एंड सो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका नेक्स्ट चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से कम 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन पुट करता है मैपअप में भी और थ्योरी पार्ट में भी, तो इसमें टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री आ जाएंगी आपकी, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, ये इंडस्ट्री आ जाएंगी, और इसमें हमारे मेजर स्टील प्लांट्स भी हैं कंट्री के, लाइक बोकारो है, राउरकेला है, दुर्गापुर है, उसके बाद मिस्को है, इसको स्टील प्लांट है, टाटा आयरन स्टील प्लांट है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्वेश्चन आपको थ्योरी बेस में भी आ सकता है या डायग्रामेटिकली के थ्रू भी आ सकता है, तो ये ढंग से पढ़ना है आपको, इनकी लोकेशन किस कंट्री के हेल्प से ये वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, कौन से ईयर में कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से इन स्टील प्लांट्स को आयरन ओर कहाँ से मिल रहा है, वाटर कहाँ से मिल रहा है, लेबर कहाँ से मिल रही है, कोल कहाँ से मिल रहा है, एट्सेट्रा, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है लाइक द व्हाई डू यू थिंक दैट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ द बेसिक टू द
international development of any country, and what is sugar industry, why it is a seasonal industry. Ek aur important question hai, why the sugar mills of the North India are shifted to southward India. So explain, comment on these. So these are the important question. Uske baad yahan ke software technology park important hai. Uske baad aapke oil mines important hai. और ऑयल्स माइंस को याद करने के लिए एक नमोनिक मैं आप याद कीजिए. कल एक अंकल ने गुजरात के बस स्टैंड से बस ली. तो यहाँ पे स्टेट का नाम आया है गुजरात. तो यहाँ पे जितने भी मैं अभी ऑयल फील्ड बताऊँगा वो सारी की सारी गुजरात में है. कल से बना कलौल, अंकल से बना अंकलेश्वर और बस से बना बसें. तो कल एक अंकल ने गुजरात के बस स्टैंड से बस ली. तो इसमें कलौल, अंकलेश्वर और बसें, ये तीनों ऑयल फील्ड हैं गुजरात में. और वो बस कहाँ से ली, बॉम्बे से, मुंबई से या बॉम्बे से असम के लिए. तो मुंबई में आपकी ऑयल फील्ड है बॉम्बे हाई, जहाँ पे सागर सम्राट अरेबियन सी में है. तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं आपका ऑयल. तो बॉम्बे हाई इज़ इन मुंबई. और असम में आपकी है, जैसे बस ली मुंबई से असम के लिए, तो असम में अंकल ने क्या किया, डुबकी लगाई, नहर में डुबकी लगाई. तो नहर से नहर काटी और डुबकी से डिग बोई. और वहाँ पे जब नहर में डुबकी लगाई तो अंकल का क्या हो गया, नाम रूप. तो क्या हो गया, नाम हो गया. तो नाम से बना नाम रूप. तो नाम रूप क्या है, एक आपका थर्मल पावर प्लांट है. तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं. और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, हाउ डू यू अंडरस्टैंड द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ये हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1993 के मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसको हम एलपीजी बोलते हैं. उसके बाद इंडस्ट्री क्लस्टर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द मेजर इंडस्ट्री क्लस्टर ऑफ इंडिया लाइक गुजरात रीजन, लाइक महाराष्ट्र पुणे रीजन, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, नोएडा एंड दिल्ली सराउंडिंग एरियाज रीजन. सो ये सारे के सारे आपके इंडस्ट्री क्लस्टर रीजन है. उसके बाद इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. तो इसमें से सबसे पहले आपको नीति आयोग के बारे में पता होना चाहिए कि कब आपका नीति आयोग लॉन्च हुआ. तो दैट इज़ 1 जनवरी 2015. इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो यहाँ पे आपका ITDP प्रोग्राम है, इंटेग्रल ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है. उसके बाद भरमौर का रीजन के ऊपर आपकी पूरी की पूरी केस स्टडी है, और केस स्टडी आपकी इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया के ऊपर भी है. और इसमें इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया के ऊपर आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इरीगेशन ऑन इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया, एंड व्हाट आर द सुजेस्ट द मेजर फॉर द ऑफ प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया. तो वो 7-8 पॉइंट जो हैं वो आपको वहाँ पे राइट अप करने हैं. इको डेवलपमेंट क्या है, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट क्या है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के. उसके बाद आपका चैप्टर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. तो सेम एज अर्लियर आई हैव टोल्ड यू, लैंड वाटर एयर ट्रांसपोर्ट हैं. लैंड ट्रांसपोर्ट में आपको इंडिया के सारे का सारा, रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर जब लिखोगे तो उसमें BRO का पता होना चाहिए, नेशनल हाईवे के पता होना चाहिए, स्टेट हाईवे, नॉर्थ टू साउथ आपका कॉरिडोर, ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपका. आपके वाटरवेज पता होने चाहिए, नेशनल वाटरवेज 1, नेशनल वाटरवेज नंबर 2, नेशनल वाटरवेज नंबर 3. उसके बाद एयरपोर्ट पता होने चाहिए, मेजर पोर्ट पता होने चाहिए कांडला से लेके देन मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट. उसके बाद आपका कलकत्ता पोर्ट. तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, व्हाट आर द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइन एट्सेट्रा. तो ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. उसके बाद आपका इंटरनेशनल ट्रेड आ गया, तो इसमें वही पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो यहाँ पे आपके एयर रूट हैं दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता से और चेन्नई से. तो इनमें मेजर एयरपोर्ट के नेम्स क्या हैं, लाइक इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आपका, शिवाजी पोर्ट मुंबई का है, सुभाष चंद्र बोस कोलकाता का है, मीनाबक्कम आपका तमिलनाडु का है. तो ये सारे इम्पोर्टेंट पोर्ट हैं. उसके बाद आपके मेजर पोर्ट्स कौन कौन से हैं, आपके कांडला है, मुंबई है, मारमंगाओ, मैंगलोर, कोची, तूतीकोरन, इनोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पैरादीप, हल्दिया, कोलकाता एट्सेट्रा. ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं. उसके बाद है लास्ट चैप्टर,
बेसिक चैप्टर है, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। तो इसमें वाटर प्रॉब्लम, वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है, नॉइज़ पोल्यूशन से रिलेटेड है, कॉजेज़ क्या हैं इनके, हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, व्हाट आर द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, कौन सी रिवर सबसे मोस्टली पोल्यूटेड है, कौन सा सिटी पोल्यूटेड है, कौन से सिटी की एयर क्वालिटी सबसे लो है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे बन सकते हैं, सुजेस्ट द मेजर फॉर रिडक्शन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स इन इंडिया, या स्लम से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धारावी स्लम, एशियाज लार्जेस्ट स्लम, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ वाटर पोल्यूशन इन इंडिया, व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन, डिस्क्राइब द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर, एयर पोल्यूशन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोल्यूशन एंड द पोल्यूटेंट्स। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं, 22 क्वेश्चन होंगे, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करना है कि सीरियल ऑर्डर में करें, और प्रॉपर सभी क्वेश्चन के आपको वहाँ पे विद देयर नंबरिंग क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड सो ऑन। और प्रॉपर जगह पे आपने मैप पेस्ट करना है, और पूरे अच्छी तरह से मैप, इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप टोटल 10 मार्क्स का है, और थ्योरी पार्ट जो होगा वो आपका 60 का होगा। तो 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 70। सो इफ़ यू डू इन दिस सेम वे, प्रॉपर मार्जिन होना चाहिए आपका, पॉजिटिव अप्रोच रखें। और तो ये सारे के सभी स्टूडेंट्स को मेरी बेस्ट विशेज हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, आई होप यू विल गॉट गुड मार्क्स, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।